बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक ही हफ्ते में कितने हज़ार गिरफ्तार हो चुके हैं जी। इकामा एक्सपायर वाले, हरूब वाले, मतलूब वाले इसमें आते हैं। या कोई भी बंदा अगर मुबैस के हाथ भी लग जाता है, कोई भी किसी किस्म का गैर कानूनी काम करता हुआ। अच्छा, इसमें ये मैं आपके लिए कर दूँ, दौरियत के हाथ लग गए, मरूर के हाथ लग गए, चाहे अब शुरतों के हाथ लग गए, कोई भी यानी किसी ने भी पकड़ लिया है, वो तमाम तर इसी लिस्ट में आते हैं। एक चीज़ मैं वीडियो के शुरू में क्लियर करूँ आपको, यहाँ पर मैं जूम करके थोड़ा ये चीज़ दिखा रहा हूँ, इसी पिक्चर में से जो वजारत दाखिले की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है। बाद में मैं आपको टोटली कम्प्लीटली इनकी रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। मैं आप नीचे सबसे नीचे देख लें जी, यहाँ पर लिखा हुआ तरहील 8786, ठीक है जी, कितने 8786 अफराद भाई तरहील के थ्रू इस एक हफ्ते में भेजे गए हैं। यानी कि तमाम तर वो अफराद जो डिपोर्ट किए गए हैं, सऊदी अरब से निकाले गए हैं, उनमें मतलूब वाले भी हो सकते हैं, हरूब वाले भी हो सकते हैं, इकामा एक्सपायर वाले भी हो सकते हैं, जिनको पकड़ा गया, जेब में 5-7 दिन 10 दिन 12 दिन रखा गया, उसके बाद उनको तरहील किया गया। एक चीज़ और क्लियर करूं मैं कि अगर आप हयूनिस के मुतल्लक मालूम चाहिए आपको, यानी कि पकड़ाई वगैरह के मुतल्लक और तरहील वगैरह के मुतल्लक, या जेल में कितने दिन रखते हैं, क्या सूरत हाल है, मैं लाइव सबूत कुछ देखे हैं मैंने आपके साथ मुख्तलिफ वीडियोज़ में भी आपको, यानी कि मैंने आपको दौरिया शूरतों की गाड़ियाँ नहीं दिखाई हैं, पकड़िंग के सीन नहीं दिखाए हैं। क्यों नहीं दिखाए, आपको पता ही सऊदी अरेबिया में ये ममनू है। तो बहरहाल जो मैंने देखा सब कुछ और जो मैंने सोचा वो आपके साथ शेयर करूंगा, वो ये है जी कि मैंने देखा है कि जो बंदों को पकड़ा जाता है उनको कितने जेल में रखा जाता है, बाद में तरहील के थ्रू भेजा जाता है, वो तमाम तरह डिटेल आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा किसी और वीडियो में। तो अभी आज की रिपोर्ट के मतलब बात कर लेते हैं। हालांकि चेकिंग के मतलब के मामला के मतलब बहुत सी वीडियो शेयर कर चुका हूँ, उसमें भी मैं आपको बता चुका हूँ जो हालिया चेकिंग रही जद्दा में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले आप ऊपर वाली साइड पर देख सकते हैं, इसमें 13,801 अफराद टोटल गिरफ्तार हुए हैं जी, जिनमें मैं अभी आपको दिखाता हूँ। नीचे आप देख रहे हैं मुखालफा निज़ाम अल इकामा है, यानी कि जिन बंदों के इकामे एक्सपायर थे सबसे ऊपर यही आए हैं। पकड़ वाला मामला अभी भी चल रहा है, ये इसलिए सबसे ऊपर आए हैं, वरना भाई अमन अल हदूद वाले जो कि सेकंड नंबर पर हैं वो ऊपर होते हैं सबसे। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं मुखालफा निज़ाम अल इकामा है, 7,953 अफराद वो गिरफ्तार हुए हैं, और साथ में अमन अल हदूद जो गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में इंटर होने की कोशिश करते हैं, 4,023 अफराद हैं। और अगर बात करें मुखालफा निज़ाम अल अमल की, तो यानी कि काम कुछ और, महीना कुछ और, काम कहीं और लगे हुए हैं, जिनमें साइक हाउस और अमल मंदिर कोई भी छोटे महीना वाले ज़्यादातर आते हैं, तो इनकी तादाद देख रही 1,825 है। तो ये आज की वीक की रिपोर्ट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मज़ीद इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक की जैसे ही रिपोर्ट आएगी, जो भी सूरत हाल होगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा।